भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर ज्ञान युक्त मार्गदर्शन कर रहे और इसी बीच परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 33 करोड़ देवता हैं, किनकी उपासना करूं, किनको छोड़ूं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, 33 करोड़ देवता तो भगवान के सेवक हैं, मालिक को पकड़ो ना, सेवक को पकड़ने से क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति को तेजस्वी होना है सूर्य भगवान और अग्नि देव की उपासना करे, जिस व्यक्ति को अन्न धन चाहिए अदिति पुत्रों की उपासना करे, जिस व्यक्ति को सुंदर रूप चाहिए गंधर्वों की उपासना करे, किसी भी व्यक्ति को सुंदर पत्नी चाहिए उर्वशी की उपासना करे, किसी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए शिवजी की उपासना करे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इन सब को त्याग कर जिन प्रभु को पाने आया उनका तो आपने याद ही नहीं किया। गंगा के तट पर आया हूं जिन प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को पाने का उपाय क्या है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। भागवत में सूत्र हैं, इन सूत्रों को गठिया लो अपने अंदर मन में। कथाएं बहुत हैं लेकिन कुछ सीधे हमें आत्मा में मन में चित्त में असर डालने वाले वचन हैं। उन वचनों में एक ये भी है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई कामना नहीं तो इधर उधर मत भटकना, केवल प्रभु की उपासना करना। और जो 33 करोड़ देवताओं से तुम पाते हो एकमात्र प्रभु की उपासना करने से प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष तो कहीं मिलेगा नहीं, केवल प्रभु की आराधना में मिलेगा। मोक्ष मिच्छेत जनार्दनात्, मोक्ष चाहिए तो श्रीहरि की उपासना करो। हमने कल भी बताया है कि भगवान हरि हो, नारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, सब भगवान का स्वरूप एक है। हम जहां भी हरि कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम कृष्ण कहते हैं, वो समझना कि भगवान के सभी रूपों की उपासना करोगे तो वही लाभ मिलेगा। मोक्ष मिच्छे जनार्दनात्, मोक्ष तो केवल प्रभु ही देते हैं। जिस जीव को मोक्ष देना उसके बारे में कितने जन्म लिए, कितने कर्म किए ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान केवल प्रभु को है।